हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम हकल रूल और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन। हकल रूल क्या होता है, कब काम आता है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक्स होते हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं, तो उसके लिए हकल ने एक रूल दिया, ये लिखा हुआ है, जैसे कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल भी नाम बोला जाता है इसका। एज पर रूल दिस कंपाउंड टू बी एन एरोमेटिक इट मस्ट बी फुलफिल क्राइटेरिया। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुकेटेड एज वेल एज फॉलो 4n+2 रूल मीन्स हकल रूल। विच कंपाउंड डू नॉट फॉलो 4n+2 रूल, इट इज़ नॉट एरोमेटिक लाइक साइक्लोब्यूटाडीन। मीन्स क्या हुआ इसका, हिंदी में समझाता हूँ आपको, कि जो कंपाउंड 4n+2 रूल का पालन करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो 4n+2 रूल का पालन नहीं करते हैं भले ही वो साइक्लिक हों, कॉन्जुकेटेड हों, प्लेनर हो, परंतु इस रूल का पालन नहीं करते हैं तो वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। मीन्स शॉर्ट रूप में समझा जाए कि जो कंपाउंड 4n+2 रूल इलेक्ट्रॉन का पालन करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, परंतु उसके साथ साथ में साइक्लिक भी होने चाहिए, प्लेनर भी होने चाहिए और कॉन्जुकेटेड भी होने चाहिए। परंतु साइक्लिक प्लेनर और कॉन्जुकेटेड होने के साथ साथ में अगर 4n+2 रूल का पालन नहीं करते हैं तो वो होते हैं कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल क्या है, तो n मीन्स हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मान लो आप n का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 2, 1 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 6। अर्थात जिस कंपाउंड में 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। पर साथ साथ में प्लेनर भी होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड कार्बन भी होना चाहिए और कॉन्जुकेटेड भी होना चाहिए। परंतु जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन नहीं करते हैं भले ही वो साइक्लिक हों, कॉन्जुकेटेड हों, sp2 कार्बन हो, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। दिस कंपाउंड जो कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल का पालन करते हैं, जिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन न करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल n का वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 0 रखेंगे तो 0 वैल्यू जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 4, 8, 12 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होते हैं, जिस कंपाउंड में होते हैं वो होता है एंटी एरोमेटिक, भले ही साथ साथ में साइक्लिक भी होना चाहिए, sp2 कार्बन हाइब्रिड भी होना चाहिए, साथ में कॉन्जुकेशन भी होना चाहिए और प्लेनर भी होना चाहिए, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 4n के इक्विवेलेंट। और जहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल दैट इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, दैट इज़ द प्लेनर, sp2 कार्बन हो गए, कॉन्जुकेशन है पाई सिग्मा, दो पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मीन्स हो गया 4n+2 रूल का पालन कर रहा है, मीन्स हो गया फॉर एग्जाम्पल देखें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल नो कंजुकेशन, नो प्लेनर, दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज द साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बट नॉट कंजुकेशन, कंजुकेशन नहीं है, दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक शॉर्ट रूप में समझा दूँ, एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक भी होते हैं, प्लेनर भी होते हैं, sp2 कार्बन होता है, कॉन्जुकेशन होता है, 4n+2 रूल का पालन करते हैं। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक हो सकते हैं, प्लेनर हो सकते हैं, sp2 कार्बन हो सकता है, कॉन्जुकेशन हो सकता है, परंतु 4n इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करते हैं। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इसमें से किसी रूल का पालन नहीं करते, दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल एक बेंजीन करेंगे, दैट इज द साइक्लिक प्लेनर, sp2 कार्बन, कॉन्जुकेशन एंड 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज द हकल रूल को फॉलो कर रहा है, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 कार्बन है, कॉन्जुकेशन है, पाई सिग्मा पर 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एन मीन्स हो गया 1, मीन्स 4n इलेक्ट्रॉन का पालन कर रहा है, दैट द एंटी एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल ये नॉट ए साइक्लिक प्लेनर, नॉट sp2 कार्बन में नहीं है, कॉन्जुकेशन तो है पाई सिग्मा पाई, परंतु 2, 4 साइक्लिक नहीं है, इसका मीन्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आज हमने पढ़ा कि ये कॉन्जुकेशन क्या, मतलब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल क्या है, हकल रूल क्या है,
जैसे हम एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा क्या रूल है, ये सारा हमने आज पढ़ा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।